It's me, Sayed Mohammed Asanada from MathyMath.com. Let's start with question number 2 and third part of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So, iske andar hamare paas yahan pe jo question hai, ye hai x cube plus 3xy square minus 2x square y minus 6y cube. Isko humne factorize karna hai. Iski factorization ke andar isi tarah jaise ki iske first two parts mein hum iske two parts banate hain. यहाँ पे भी हम इसे एक पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा और सेकंड वाला पार्ट जो है ये हमारे पास ये आ जाएगा. तो अब जब ये इसके दो पार्ट्स यहाँ पे बन गए तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में पॉसिबल कॉमन क्या है. अब यहाँ पे देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है. x क्यूब का मतलब है यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर है. तो x इंटू यानी ये x क्यूब x इंटू x स्क्वायर है. तो इस यानी यहाँ पे अगर x है तो इधर से भी हम x को कॉमन ले सकते हैं. तो हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया इन दोनों पार्ट्स में से, इस फर्स्ट वाले पार्ट में से x को कॉमन ले लिया. x को कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे देखिए एक x तो यहाँ से बाहर चला गया, बाकी x स्क्वायर रह गया. सो ये x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 3y स्क्वायर इधर आ जाएगा. उसके बाद हम इन ये हमारे पास ये बाकी ये दो आते हैं, इन दोनों में से भी आप देखते हैं कि पॉसिबल कॉमन क्या है. एक तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, दूसरा ये दोनों पार्ट्स अगर आप देखें तो ये दोनों टू पर डिविजिबल हैं. ये टू है और ये सिक्स है, तो ये सिक्स जो है ये भी टू पर डिविजिबल है. और इसके बाद यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स जो हैं यानी ये वाला ये वाई और ये वाई क्यूब, तो ये दोनों वाई पर भी डिविजिबल है. सो इसके अंदर से हम माइनस टू y को हम कॉमन ले लेते हैं. ये माइनस टू वाई कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गया इधर से ये हमारे पास x स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 3. देखें ये माइनस क्योंकि कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये भी प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर. अब अगर आप देखें अब हम फिर इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स बना लेते हैं. एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा और दूसरे वाला पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा. अब अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों पार्ट्स में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कॉमन निकलता है, दोनों में है. तो इन दोनों में से x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया. x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ देखें इधर हमारे पास जो है वो x है, यहाँ पे माइनस 2y है. तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ माइनस 2y रह जाएगा. तो यानी इन दोनों में से इसको कॉमन लिया तो ये x माइनस 2y आ जाएगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.